नमस्कार दोस्तों, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को 16 मई दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन से खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आयकर शंपू राशि को बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शिव जी लिखें, शिव जी आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 16 मई 2022 दिन सोमवार, आज की तिथि पूर्णिमा, आज का नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:30 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:05 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 12:44 से दोपहर 1:39 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 7 और शुभ रंग है सफेद और हल्का हरा। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों, विश्वास कीजिए कि खुद पर यकीन ही बहादुरी की असली परख है, क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे समय से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं। अपने पैसे को संचय करने के लिए आज अपने घरवाले के लोगों से आपको बात करने की जरूरत है। उनकी सलाह आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने में मददगार होगी। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आज अपने प्रिय को माफ करना ना भूलें। आपका खाली समय आज मोबाइल या टीवी देखने में बर्बाद हो सकता है। इससे आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होगी, क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। अगर आपके जीवन साथी की सेहत के चलते अगर आपकी योजना किसी से मिलने की थी और आज वो रद्द हो जाए तो आप चिंता ना करें, आप साथ में अधिक समय व्यतीत कर सकेंगे। अपने पिता के साथ आज दोस्त की तरह आप बात करना ना भूलें। आपकी बातों को सुनकर उनको अधिक खुशी होगी। साथ ही साथ आपको बताएं, अपना धैर्य ना खोएं, खास तौर पर मुश्किल हालात में। धन से जुड़ा कोई मसला आज हल हो सकता है। आपको अपने धन को संभाल कर रखना होगा। विद्यालय का पूरा काम करने के लिए बच्चे आपसे मदद ले सकते हैं। आपका प्रिय दिन भर आपको याद करने में समय बिताएगा। किसी नए काम के आगाज के लिए आपको पहले उसके बारे में अनुभवी लोगों से बात करनी चाहिए। अगर आज आपके पास समय है तो आप उस क्षेत्र के अनुभवी लोगों से मिलने के लिए जाएं जो काम आप शुरू करने वाले हैं। वैवाहिक जीवन के कई फायदे भी होते हैं और आप उन्हें आज हासिल कर सकते हैं। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आज आप किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से भी मिल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं, अगर आप आय में वृद्धि के स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक योजनाओं में निवेश करने के लिए आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जो न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी रोमांचित कर देगी। आपको अपने रोमांच को नियंत्रित रखने की जरूरत है। काफी वक्त फोन ना कर पाने से आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। सेमिनार और प्रदर्शनी भी आदि आपको नई जानकारियां और भी कराएंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। सितारे कह रहे हैं कि आज का दिन तनाव बुझने वाला है। आप अपने पालतू पशु के साथ समय बिताकर इस समस्या से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, आज पूरा दिन खुद को तरोताजा महसूस करने के लिए आप आसपास धार्मिक कार्यक्रम के होने वाले अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप से पार्टनरशिप करेंगे, आपको उम्मीद से ज्यादा धन लाभ हो सकता है। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी की लोग सराहना करेंगे। आज आप परिवार के साथ देवी माँ के मंदिर जाएंगे, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लें, धन में वृद्धि होगी। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान व योग आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। साथ ही साथ आपको बताएं,
आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल देने वाला रह सकता है। किसी के बारे में अनुमान लगा पाने से आज आपको बेहद खुशी मिलने वाली है। घर के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएंगे। पुराने प्यार में फिर से जीवंत होने की संभावना नजर आ रही है। रोमांस शुरू हो सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। आज आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कुछ जानकारी आपको योजनाबद्ध बनाएंगे और वे तुरंत क्रियान्वित हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है। नौकरी पेशा लोग ज्यादा मेलजोल ना बढ़ाएं तो आपके आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं, पैसों को लेकर धैर्य रखें। पैसों की स्थिति में जल्दी अच्छा बदलाव आ सकता है। ऑफिस में आपको आज कोई बड़ा काम भी दिया जा सकता है। आप अचानक आने वाली परेशानियों और संकट से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आज आप सफल रहेंगे। आप जिससे भी बात करें उससे साफ और ईमानदारी से करें। प्रियजन के लिए आप पर्याप्त समय निकाल पाएंगे। विपरीत लिंग में भी आप चर्चा का केंद्र बने रहेंगे। पेट संबंधी रोग की समस्या भी बन सकती है। मसालेदार भोजन से आपको बचना चाहिए। दूसरे लोग आपसे जो बात कहें उन पर भरोसा ना करें। लोगों की बुराई भी करने से आपको बचना चाहिए। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। कई चीज़ों को लेकर आपके मन में चिंता और अनिश्चितता का भाव ही रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, मित्रों के साथ मनाया गया जश्न आपको अत्यधिक आनंद देगा। आपके अतीत से कोई अपना आपके संपर्क में आएगा जिससे आज का दिन एक यादगार का दिन बन जाएगा। अपने जीवन साथी के साथ अपनी अतरंग भावनाओं को साझा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आकस्मिक लाभ की संभावना अधिक है। किसी अनुकूल संपर्क के कारण आज अतिरिक्त आय अर्जित करने में आप सक्षम हो पाएंगे। मित्र और सहकर्मी आपके प्रयासों में आपका समर्थन करेंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में असीम विजय प्राप्त होने की संभावना है। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की यात्रा और शॉपिंग को लेकर आप दोनों में कानासुनी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने मधुर संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन आपके प्रयास से स्थितियां अनुकूल हो सकती हैं और आप अपने रिश्ते को नई रचनात्मकता देंगे और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। इस दौरान आप एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, मर्यादित आचरण रखना ही आपके लिए सही साबित होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने प्रियतम को यह भी महसूस कराना होगा कि वास्तव में यह रिश्ता आपके लिए काफ़ी महत्व रखता है। आपका प्रियतम ही आपका सब कुछ है। तो दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा दिन है। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपको कोई हल्की परेशानी रह सकती है, जैसे छाती से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे आपको खांसी कफ या गले में दर्द या आपको सिर दर्द भी रह सकता है। इसके लिए आपको आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आपको अपने खानपान का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।